आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुरदासपुर में कार जैकिंग के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पंजाब में हाई अलर्ट जारी। गुरदासपुर में कार जैकिंग के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर को डीजी पंजाब ने पत्र भी भेजा है। पड़ोसी राज्यों को सिक्योरिटी बढ़ाने को लेकर यहां पर पत्र लिखा गया। गुरदासपुर में 3 बदमाशों ने गन पॉइंट पर कार लूटी थी और इस तरह के मामले लगातार पंजाब में बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन दीनानगर में भी इस तरह का मामला हुआ था। उसके बाद से कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं पंजाब में और अब गुरदासपुर में कार जैकिंग के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर को डीजी पंजाब ने पत्र भी भेजा है। पड़ोसी राज्यों को सिक्योरिटी बढ़ाने को लेकर पत्र लिखा गया है। वहीं गुरदासपुर में 3 बदमाशों ने गन पॉइंट पर कार लूटी थी। उसके बाद से अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है पंजाब में, जिस तरीके से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। वही गुरदासपुर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पुलिस प्रशासन और कानून की धज्जियां उड़ाने से पीछे नहीं हटते हैं। ताजा मामले में गुरदासपुर के अमृतसर जम्मू नेशनल हाईवे पर बने एक होटल के बाहर युवक गुरप्रीत सिंह से 3 बदमाशों ने लूटपाट की। पिस्तौल के दम पर युवक से गाड़ी छीनी गई और युवक के पैरों में गोली मारकर फरार हो गए। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि इस तरह के मामले लगातार पंजाब में बढ़ रहे हैं और अब ये ताजा मामला गुरदासपुर से सामने आया है, जहां पर कार जैकिंग का मामला सामने आया है और अब सिक्योरिटी बढ़ाने की बात कही गई है, सिर्फ पंजाब में ही नहीं पड़ोसी राज्यों में भी। और ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बदमाशों ने कार लूटी है, लूटपाट को अंजाम दिया है। यहाँ पर गन पॉइंट पर 3 बदमाशों ने लूटपाट की इस वारदात को अंजाम दिया है। कार में लूटपाट की गई है। 3 बदमाश मोटरसाइकिल पर आए थे और उन्होंने एक कार किस तरीके से वहां पर लूटपाट की और वहां से फरार हो गए। ये आप सीसीटीवी फुटेज उस वक्त की देख रहे हैं, जहां पर गन पॉइंट पर कार को लूटा गया था 3 बदमाशों की तरफ से। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरीके से ये 3 बदमाश दिन दहाड़े, सबसे बड़ी बात यह है कि दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम दिया इन बदमाशों ने, जब सब लोग आसपास हैं उसके बावजूद इस तरह की वारदात को अंजाम दे दिया गया है। 3 बदमाश यहां आते हैं और गन पॉइंट पर ये कार लूट के यहां से फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर बदमाश बेखौफ हो चुके हैं और इस तरह के मामले लगातार पंजाब में बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं, साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं किस तरीके से बदमाशों ने इस कार को लूटा, गन पॉइंट पर इस कार को लूटा, यहां से फरार हो गए बदमाश। ये उस वक्त की फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जब इस पूरी वारदात को इन 3 बदमाशों ने अंजाम दिया और इसी के मद्देनजर ये घटना होने के बाद पूरे पंजाब भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पंजाब के डीजी ने पड़ोसी राज्यों को खत लिखकर भी आगाह कर दिया है कि वहां पर भी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। वहीं इस कार जैकिंग मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। इतने बरियार मंचीज रेस्टोरेंट से एक लड़का गुरप्रीत अपनी वरना कार लैके पार्किंग खड़ा सी, 3 नौजवान मोटरसाइकिल से आए तो उन्होंने 2 ने उतर के इत तो कार खोली, ये गोली चलाई जी इन छू के लंघ गई तो गुरदासपुर की साइड चले गए। घटना दोनों दोस्त बैठे ही गड्डी तो इन्होंने वेटर की वेट करते पे सी ऑर्डर लैन वास्ते, तो यही दौरान 3 लटेरे आए है जी। उन्होंने फिर इनू पहले चाबी खोई, चाबी खोन की कोशिश की, इन्हें चाबी दी नहीं, फिर उन्होंने एक बंद ने वो पट से गोली मारी है, तो गड्डी लैके इतों चाबी तो गड्डी लैके इतों मोटरसाइकिल समेत फरार हो गए। वो 3 बंदे जी वरना कोई है जी। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नितिन लूथरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, कार जैकिंग मामले में क्या कुछ ताजा अपडेट है, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से आखिर ये घटना हुई है। Thank you.
तरह ये बीती कल देर शाम का मामला है जब दो दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर एक होटल के बाहर खड़े थे और अब वेटर का इंतजार कर रहे थे, तभी तीन लुटेरे आते हैं, एक मोटरसाइकिल पर ही रहता है, दो उतरते हैं। पहले चाबी छीनने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब चाबी नहीं मिलती तो फायर किया जाता है। फायर जो था वो गुरप्रीत के पाँव में लगा और छूकर निकल गया। उसके बाद जबरदस्ती गाड़ी छीनी जाती है और जम्मू कश्मीर की तरफ निकल जाते हैं ये लोग। तब जब ये पुलिस को जानकारी दी जाती है, उसके बाद पुलिस ने आकर अलग अलग टीमें बनाई हैं, जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच शुरू कर दी है। क्योंकि पठान जो जिस इलाके में ये घटना हुई है उससे कुछ ही दूरी पर बात की जाए, कुछ किलोमीटर दूर जाकर J&K और हिमाचल की जो रेखा है वो लगनी शुरू हो जाती है। क्योंकि दीनानगर की बात करें तो दीनानगर के पार उसके बाद कई इलाके ऐसे हैं जिसके आसपास ही जम्मू कश्मीर लगता है और पठानकोट के पास ही हिमाचल को भी रास्ता जाता है। तो लुटेरे किस तरफ गए ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन पुलिस जो है वो जांच कर रही है। इसके बाद ही DGP पंजाब ने जो है वो पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट जारी कर दिया गया है, कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या इसके तार टेरर से भी जोड़े जा सकते हैं, कोई लिंक टेरर से भी हो सकता है? क्योंकि लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, दीनानगर से मामला सामने आया था, उसके बाद आतंकी हमला हुआ, फिर लगातार मामले इस तरह के बढ़ते जा रहे हैं। ये कहना तो मुश्किल है कि ये टेररिस्ट के साथ इसको जोड़ा जा सकता है कि या फिर ये डकैत ही है, क्योंकि मामले बहुत गंभीर हैं। कुछ दिनों में बहुत तेजी से ऐसी वारदातें बढ़ी हैं। जैसे मैं आपको जानकारी दे दूं कि दो दिन पहले जिला गुरदासपुर के एरिया गुमान और मेहता चौक से एक लड़की 2.5 लाख रुपया निकलवा रही थी, उसके लैपटॉप और 2.5 लाख रुपया छीन कर दोषी फरार हो गए थे। अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल निकल गए गन्ने के खेतों से। पुलिस को अभी तक उसमें भी हाथ खाली हैं। उसके बाद सुरेश रैना के रिश्तेदार पठानकोट के शाहपुर कंडी में 5 लोग थे, वह रात को उनके घर लुटेरे आते हैं, उनको बुरी तरह से जख्मी करते हैं, उनमें से 2 लोगों की मौत हो जाती है, 3 अभी भी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में वहाँ पर भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अब नेशनल हाईवे पर गाड़ी छीनी जाना एक बढ़िया सवालिया निशान जो है, एक बड़ा सवालिया निशान पुलिस पर लगता है। सारे मामलों में पुलिस के हाथ अभी खाली है। बात नहीं करेंगे, पंजाब के अलग अलग जिलों में इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर भी कहा जा सकता है, इतनी लचरता क्यों है? क्योंकि आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, जब भी अधिकारियों से बात होती है इसको लेकर तो अधिकारियों का एक घिसा पिटा जवाब होता है कि कुछ कोशिश जारी है, बहुत जल्द दोषी जेलों के पीछे होंगे और टीमें बना दी गई हैं, अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा अधिकारियों के पास और कोई ठोस सबूत और ठोस जवाब नहीं होता। आजकल एक नया अधिकारी बयान देते हैं कि कोरोना की वजह से अधिकारी अलग अलग ड्यूटियाँ कर रहे हैं। बेशक कोरोना की मार जो है वो पड़ रही है, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने तो अपना काम करना है। लेकिन सभी वारदातों में पुलिस के हाथ फिलहाल खाली है। पिछले दिनों डेरा बाबा नानक में पुलिस द्वारा ही एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया गया। सो ऐसी वारदातों में कहीं ना कहीं सवालिया निशान पुलिस पर जरूर है, क्योंकि इतनी बड़ी वारदातें होना और पुलिस के हाथ खाली रहना जरूर सवालिया निशान है। इस मामले में क्या स्पेशल टास्क फोर्स का क्या गठन किया गया है, किस तरीके से पुलिस की तरफ से छानबीन की जा रही है, क्या कोई स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है? बिल्कुल तरुण, क्योंकि ये 2 स्टेटें और लगती हैं जिला गुरदासपुर के साथ, इसलिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। जब हमारी बात अधिकारियों से होती है तो उनका कहना है दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये हम नहीं बता सकते कि किस एंगल पर काम किया जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द दोषी जो है वो पकड़े जाएंगे। CCTV भी सामने आ गई है, लेकिन फिर भी ये बात कहने के बावजूद भी अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा सिवाय ये बात कहने के कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग रूरल रैपिड फोर्स इसमें काम कर रही है, पंजाब पुलिस काम कर रही है, PAP के कुछ लोग इसमें काम कर रहे हैं, अलग अलग टुकड़ियां बनाई गई हैं, अलग अलग टीमें बनाकर जो है वो भेजी गई हैं अलग अलग रास्तों पर, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं ताकि ये मामला ट्रेस जल्द से जल्द हो सके। बिल्कुल नितिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिनकी कार लूटी गई है, जिनके साथ ये लूटपाट का मामला हुआ है, कि उनके बारे में कुछ पता लग पाया है कि उनका क्या बैकग्राउंड है, वो कहाँ से हैं, कहाँ को जा रहे थे? पुलिस ने जब
ये वारदात हुई, पुलिस गुरप्रीत को अपने साथ ले गई, उनके साथियों को मीडिया के सामने नहीं आने दिया, इसलिए पूरी बात सामने नहीं आई। मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा आपको, जब ये पठानकोट एयरबेस हुआ था तब भी ऐसा ही हुआ था, पहले कार छीनी गई थी, उसके बाद टेररिस्ट ने अटैक किया था और कार छीनने के बाद एक दिन पहले कार छीनी गई। ये बॉर्डर एरिया है, इसको किसी भी एंगल से साथ जोड़ा के देखा जाना चाहिए, क्योंकि जरूरी है कि कहीं कोई बड़ी वारदात हो जाए। पहले कार छीनी जाती है, अब दोषी नहीं मिल रहे, तीन लोग हैं, एक बाइक है, एक गाड़ी है, ऐसे में ये लोग कहाँ चले गए, बॉर्डर पार कर गए पंजाब का या फिर आस पास कहीं छुपे हैं, ये तो पूरी जांच के बाद बताएगी। लेकिन इलाके में एक दहशत बहुत जरूर बन गया है, क्योंकि पहले छीनना, गाड़ी छोड़ना, उसके बाद छापरकंडी में लोगों का मर्डर होना, जख्मी करना, ये सब जो वारदात है इससे पूरे जिले में ही एक दहशत का माहौल जरूर बन गया है। जी बिल्कुल, लगातार पंजाब में और भी मुद्दे गरमाते रहे हैं, जहरीली शराब का मुद्दा हो, कोरोना को लेकर रणनीति की बात हो, और अब ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी, अब ये कहीं ना कहीं कैप्टन सरकार के लिए बड़ी चुनौती नहीं है कहा जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए बड़ी चुनौती जो सरकार के सामने नजर आती है, और उसके बाद शराब का मुद्दा आ गया, कई लोग इसमें चले गए, और उसके बाद अब ये डकैतियों का सिलसिला शुरू हो गया है। सरकार की गले की हड्डी बन चुका है ये लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि ना तो शराब के जो माफिया थे वो पकड़े गए, और ना ही अब ये जितनी भी वारदातें हुई हैं इनमें लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन पुलिस एक ही बात कह रही है कि बहुत जल्द ये सब लोग पीछे जल्द पकड़े जाएंगे और इनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन देखने वाली बात है कि कब ये लोग पकड़े जाएंगे और कब ये लोग सलाखों के पीछे जाएंगे। बिल्कुल नितिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ताज़ा कार्जैकिंग मामले को लेकर क्या विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, जिस तरीके से गुरदासपुर में ये वारदात हुई है? देखिए, अभी तक किसी भी सियासी पार्टी का कोई भी बयान नहीं आया, क्योंकि अभी आज भी दो दिन का लॉकडाउन है, कोई भी बाहर नहीं निकला। अब सोमवार को जब पूरा इलाका खुलेगा और लोग बाहर आएंगे, तब पता चलेगा कि आखिर सियासत किस तरफ जाती है, लोग इस पर क्या सोचते हैं, सियासतदान इस पर क्या बयान देते हैं, ये तो मंडे को पता चल जाएगा, क्योंकि दो दिन का लॉकडाउन रहेगा। अभी कोई भी बड़ा नेता ना तो यहाँ पर आया है और ना ही किसी ने कोई ऐसी बयानबाजी की है। लेकिन लोगों की बात करें तो लोगों में एक दहशत का, सहम का माहौल जरूर है कि अब लोग अपनी गाड़ियों में, हाईवे पर भी सेफ नहीं है, ना अपने घर में सेफ है, तो आखिर सुरक्षित है कहाँ, लोग कहाँ पर रहें कि जो ऐसे लुटेरों से बचा जा सके। जी तरुण, देखो नितिन, दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, पुलिस बल भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन दिन दहाड़े इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, और अब ये जो वारदात हुई है, दिन दहाड़े हुए, जिस तरीके से हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा, तो किस तरीके से स्थानीय पुलिस जो वहां पर है उन पर किस तरीके का दबाव है यहाँ पर? देखिए, जिला गुरदासपुर की बात करें तो जिला गुरदासपुर में की पुलिस पर बड़ा ज्यादा दबाव है, और इस बात को लेकर भाग दौड़ कर रही है। तो जिला गुरदासपुर की पुलिस ही नहीं, साथ लगता जिला पठान और पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है। पंजाब पूरे में जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है, बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया के साथ कंडी एरिया भी इस इलाके में लगता है। सो पुलिस हर एंगल पर जाँच कर रही है कि कहीं ये टेररिस्ट एक्टिविटी तो नहीं, कहीं कोई स्लीपर सेल तो नहीं, इन सभी चीज़ों पर जो पुलिस है वो जांच कर रही है, और देखने वाली बात है कि ये जांच कब मुकम्मल होगी और कब दोषी पकड़े जाएंगे। जी सर, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नितिन। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पंजाब में लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं और लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय होता जा रहा है। लोग अपने घरों में जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया सेफ नहीं है, वहीं अब हाईवे पर भी लोग सेफ नहीं है। दिन दहाड़े इस तरह की घटना सामने आती है, पुलिस के ऊपर भी, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी सवाल निशान है, लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल निशान है, कहीं ना कहीं लोगों में सहम का माहौल है, हाईवे भी अब सेफ नहीं है, जहां पर लोग निश्चिंत होकर पहले जाते थे, अब कहीं ना कहीं लोगों को सोचना पड़ेगा इस तरीके से जाने के लिए, क्योंकि लगातार ये मामले पंजाब में बढ़ते जा रहे हैं, पंजाब में गुंडा राज बढ़ता जा रहा है, लूटपाट के मामले भी यहां पर बढ़ते जा रहे हैं, जो कि लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल निशान खड़ा करता है, और पुलिस प्रशासन पर भी एक सवाल निशान यहां पर खड़ा होता है।
वही भारत और चीन की सेना के बीच तनाव बना हुआ है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश से 5 लोगों को चीन की सेना के जरिए अगवा किए जाने का मामला सामने आया है। अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक निंदोंग एरिंग ने दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के 5 लोगों का कथित तौर पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जरिए अपहरण कर लिया गया है। कुछ महीने पहले भी इस तरह की घटना हुई थी। चीन की सेना को जवाब देना चाहिए। इस घटना को लेकर निंदोंग ने पीएमओ को ट्वीट करते हुए जानकारी भी दी है। चीन सेना ने 5 भारतीय नागरिकों को अगवा किया है। वहीं विधायक निंदोंग का यह दावा है कि इसमें एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्द दखल कर इन 5 नागरिकों को बचाए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर पंजाब में लगातार सियासत जारी है। पंजाब की राजनीति पूरी तरह से गर्माती जा रही है। विपक्षी पार्टी पंजाब भर में प्रदर्शन कर रही है, साथ ही मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नाभा ब्लॉक से देहात प्रधान बलविंदर सिंह बिट्टू और कांग्रेसी नेता जती अभेपुर ने कहा कि साधु सिंह धर्मसोत पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। तो आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के इस्तीफे तक की मांग की जा रही है। लगातार पंजाब में प्रदर्शनों का सिलसिला भी बीते कई दिनों से जारी है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के मुद्दे को लेकर यहां पर तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार घेरती नजर आ रही हैं। यहां तक कि साधु सिंह धर्मसोत के घर का घेराव भी किया गया है बीते दिन आम आदमी पार्टी की तरफ से। और इस पूरे मामले में 9 कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के भी गिरफ्तार किए गए थे। और लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदर्शनों का दौर वहां पर जारी है। फिर चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, श्रोमणी अकाली दल की तरफ से कहा जाए, उनकी तरफ से भी प्रदर्शनों का दौर जारी है। वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित श्री हेमकुंड साहब गुरुद्वारा और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट शुक्रवार को खोल दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते इस साल के पहले दिन 127 श्रद्धालुओं ने श्री हेमकुंड साहब पवित्र धाम में मत्था टेका। साथ ही सुहावने मौसम के बीच श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी भी लगाई। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से इस साल 3 महीने बाद श्री हेमकुंड साहब के कपाट खुले हैं। इस बार सिर्फ 1 महीने और 6 दिन के लिए ही श्री हेमकुंड साहब के दर्शन किए जा सकेंगे। जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज वाहेगुरु जी की बार बख्शिश हुई है। 4 सितंबर को श्री हेमकुंड साहब की यात्रा का शुभारंभ हुआ है। सुबह 9 बजे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को 5 प्यारों की अगुवाई में सचखंड से दीवान हॉल में शुभ किया गया। उपरांत सुखनी साहब का पाठ, शब्द कीर्तन, अरदास व गुरु ग्रंथ साहब जी का वाक ग्रंथी साहिबान द्वारा लिया गया। उसके बाद सभी संतों को श्री हेमकुंड साहब जी के इतिहास के बारे में बताया गया। बता दें कि इस साल सिर्फ 1 महीने और 6 दिन के लिए श्री हेमकुंड साहब के कपाट खोले जाएंगे। बीते कल 127 श्रद्धालुओं ने यहां पर शिरकत की और यहां पर कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास तौर पर ख्याल रखा गया है गुरुद्वारा साहब में। और वहीं श्रद्धालुओं में काफ़ी उल्लास देखने को मिला। और जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना काल में कहा जा रहा है कि सिर्फ 1 महीने और 6 दिन के लिए ही इस बार श्री हेमकुंड साहब के कपाट खोले जाएंगे। बचाला के नजदीक गांव जयंतीपुर में अमृतसर की पुलिस की टीम ने छापेमारी की। गांव में भारी फोर्स के साथ पुलिस अधिकारियों ने जिला परिषद अमृतसर के पूर्व चेयरमैन और शराब कारोबारी राजेंद्र कुमार पप्पू के घर पर दबिश डाली। तो उधर पुलिस की तरफ से मीडिया से दूरी बनाए रखी गई। अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान भी नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि बसंदा में शराब कारोबारी के घर पर पुलिस की तरफ से छापेमारी की गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
वहीं पंजाब के फिरोजपुर में बारिश आफत बनकर आई है। बारिश होने के कारण जिले के कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बारिश का पानी लोगों के घर दुकानों में घुस रहा है। घर में पानी के घुसने से लोगों का सामान भी खराब हो रहा है, साथ ही बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में लोगों ने नगर निगम और कैप्टन सरकार से जलभराव की समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि फिरोजपुर में कई इलाकों में जलभराव की समस्या बनी हुई है, जिससे स्थानीय निवासी काफी परेशान हैं और उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। तो जलभराव की समस्या के कारण कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बड़ी बीमारियों को भी ये दावत देती है, वो भी कोरोना काल में। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰਪੈਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਮਾਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ? ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੜ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ? ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿੱਡਾ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਾਰੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਤਰਪੈਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ? ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ, ਮਦਦ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇ ਕਈ ਇਲਾਕੋਂ ਮੇਂ ਜਲਭਰਾਵ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। वहीं कोरोना की चपेट में कई पुलिसकर्मी भी आए हैं, जिसके चलते लुधियाना के पुलिस महकमे में पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने मेडिकल किट जारी कर दी है, ताकि पुलिसकर्मी जल्द से जल्द कोरोना से रिकवर कर सके। तो जिस तरीके के से लुधियाना में भी पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आए हैं, इसे देखते हुए अब लुधियाना पुलिस ने मेडिकल किट जारी की है। देखो, लुधियाना पुलिस में तकरीबन 320 के करीब पुलिस एम्प्लॉयज़ हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव अभी तक आए हुए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ के जो DMC के डॉक्टर्स हैं उनकी सलाह लेके, एक उनके जब वो होम आइसोलेशन में रहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, वो एक किट बनवाई है, जिस किट में ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, विटामिन्स वगैरह की दवाइयाँ हैं। तो वो किट काफ़ी मुलाजिमों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई और आज की डेट में हमारे 280 के करीब मुलाजिम ठीक होकर ड्यूटी पे आ गए हैं और 40 के करीब मुलाजिम ही हैं जो कि अभी होम आइसोलेशन में, तो उनके जैसे 15 दिन पूरे हो जाएंगे तो वो भी आ जाएंगे। तो ये किट जब मुलाजिमों के कई बार परिवार के मेम्बर भी आ जाते हैं पॉजिटिव, तो उनको भी किट की रिक्वायरमेंट होती है कुछ दवाइयों की, तो वो भी हमारे से लेते हैं। तो जो मुलाजिम हैं उनको तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये किट दे रहे हैं, जो पुलिस, पंजाब पुलिस के वेलफेयर फंड्स की तरफ से, और जो उनके रिश्तेदार हैं या परिवार के बाकी मेंबर हैं, तो ये पुलिस लाइन में हम लोगों ने कैंटीन बनाई हुई है, वहाँ कैंटीन में ये किट रखवाई हुई है, तो उनके रिश्तेदार, उनके परिवार के मेंबर या कोई भी शहर का आदमी इस किट को वहाँ से ले सकता है। ये नो लॉस नो प्रॉफिट पर हम लोग कैंटीन के थ्रू बेच रहे हैं। वहीं पंजाब में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में करीब 1500 के पास मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 60,000 के पार हो चुकी है। वहीं कोरोना के 15,700 से अधिक एक्टिव केसेस मौजूद हैं। प्रदेश में कोरोना को 42,000 से ज्यादा मरीजों ने मात भी दी है। कोरोना से पंजाब का रिकवरी रेट 70% से अधिक है। वहीं अब अगर पंजाब में कोरोना से सबसे अधिक संक्रमित जिलों की हम बात करें तो जालंधर में कोरोना के 210, लुधियाना और पटियाला में 184, SAS नगर में 138, गुरदासपुर में 108, बठिंडा में 101 मामले सामने आए हैं और ये आंकड़ा लगातार पंजाब में बढ़ता जा रहा है। तो प्रदेश में कोरोना के 15,731 एक्टिव केस हैं। कहीं ना कहीं चिंता का विषय होता जा रहा है, जिस तेजी से ये मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की सख्ती है, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही के चलते ये मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। खासतौर पर हॉटस्पॉट एरियाज लुधियाना और जालंधर में चिंता का विषय होता जा रहा है, जिस तेजी से ये मामले बढ़ रहे हैं। यहीं आपको बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से तमाम गाइडलाइन सेट की गई हैं, यहां तक कि मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत भी ग्रामीण इलाकों में की जा चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।
ਹੈ।